الفاتحة اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الإمام الحسين أبو عبد الله ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا وإني لا أرى الموت إلا سعدا والحياة مع الظالمين إلا برما صلوات پڑھیں گے محمد عزیزان گرامی ایک ماہ سے زیادہ ہو چکا ہے محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی دنیا کے گوشے گوشے میں حسین کے چاہنے والے عزائے حسین میں مصروف ہیں محرم کا چاند نکلتے ہی ان کی زندگی کا معمول بدل جاتا ہے کپڑے کا رنگ بدل جاتا ہے سونے جاگنے کا وقت تبدیل ہو جاتا ہے ہر طرف حسین کا ذکر ہے حسین کا ماتم ہے نہ موسم کی پرواہ ہے نہ حالات کی پرواہ ہے یہ مجلس عزا یہ نوح و ماتم یہ آنسو اور اشک کس لیے کہ امام حسین کے اوپر جو کربلا میں مصائب کے پہاڑ ڈھائے گئے ہیں جو ان پر ظلم و ستم کیا ہے اسے یاد کر کے ہم آنسو بہاتے ہیں اسے یاد کرنے کے لیے ہم یہ مجلس سے عزا تشکیل دیتے ہیں امام حسین پر جو ظلم و ستم ہوا جو اتنی ان کے چاہنے والے ان کے اعزاء و اقربا ان کے اصحاب و انصار چھوٹے بڑے سب بے دردی سے ذبح کیے گئے کیا امام حسین اس قربانی کے لیے مجبور تھے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا اپنی جان وہ بچا نہیں سکتے تھے دیکھیے اگر مجبور تھے تو پھر قربانی نہیں ہوتی قربانی کا تو لفظ وہیں آتا ہے جہاں اختیار ہم جا رہے ہیں راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر کے مار ڈالا جسے قربانی تو نہیں نہ کہیں گے قربانی تو وہاں ہے جہاں ہمارے پاس دو آپشن تھا زندگی بچا بھی سکتے تھے لیکن بعض مقاصد کے تحت بعض اہداف کے تحت ہم نے مرنا گوارا کیا بھاگنا گوارا نہ کیا تو اب یہاں ظاہر سے بات ہے اس مقصد کو سمجھنا پڑے گا جس مقصد کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دے دی اور یہ جانتے ہوئے کہ انجام کیا ہونے والا ہے
तो फिर हमें पता नहीं था, हम निकले थे। होता है ना कभी कभी तहरीकें शुरू होती हैं, मूवमेंट होते हैं, लोग उसमें आते, उन्हें पता नहीं था कि लाठी चार्ज हो जाएगा। वो जानते नहीं थे कि गोली चल जाएगी और गोली हम ही को आगे लग जाएगी। सोचा था कि ये जो है मुजाहरा है, तहरीक है, जाएंगे कुछ देर जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, सही सलामत घर वापस आ जाएंगे। मगर इत्तेफाक से वहाँ गोली लग गई। ये कुर्बानी और है, और जिसे मालूम हो, जो जानता हो कि वहाँ जाने का अंजाम क्या होगा। इमाम हुसैन मदीने से निकलने से पहले ही जानते थे कि अंजाम क्या होगा, जुज़ियात के साथ जानते थे, एक एक चीज़ की उन्हें खबर थी। उसके बावजूद भी उन्होंने यह कदम उठाया, जबकि दूसरा ऑप्शन था। मोहम्मद हनफिया, जनाब इबन अब्बास वगैरह ने, अब्दुल्ला इबन अब्बास ने तजवीज़ रखी थी, मौला अव्वल तो आप मदीने में रहिए, हम लोग हैं, आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं होगा, और अगर आप महसूस कर रहे हैं ख़तरा तो आप यमन चले जाइए, यमन में आपके बाबा के चाहने वाले भी हैं, यमन वाले शुजा और बहादुर भी होते हैं, और जोग्राफियाई एतबार से भी यमन ऐसी जगह वाक़ हुआ है जहां अपने को बचाना बहुत आसान है, क्योंकि यमन पहाड़ी इलाका है। अगर आप पहाड़ पर चले जाएं और अकेले भी बैठे हों तो 100 आदमी को तो आप रोक सकते हैं, ऊपर से फकत पत्थर भी मारे ना। अभी भी आप देखें यमन की जो ये जो है मुजाहिदीन है, 6 साल गुजर जाने के बावजूद निहत्थे हैं, मगर फिर भी मैदान में डटे हुए हैं। तो इमाम हुसैन अगर जान बचाना चाहते तो यमन जा सकते थे, मगर हुसैन ने मदीना जान बचाने के लिए नहीं छोड़ा था, दीन बचाने के लिए मदीना छोड़ा था। अगर यमन चले जाते जान बच जाती, इस्लाम मिट जाता। सलावात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। क्या मकसद था इमाम हुसैन का, क्यों गए, ये समझना तो बहुत ज़रूरी है ना। कोई मकसद था इमाम हुसैन का या नहीं था, मकसद नहीं था तो बात समझ में नहीं आती कि इतनी बड़ी कुर्बानी बेमकसद कोई क्यों देगा। अगर मकसद था तो वो क्या मकसद था, क्यों इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी, और वो मकसद सिर्फ इमाम हुसैन से मखसूस था या उसका ताल्लुक हमसे भी है। एक दफ़ा तो यह कि वो इमाम हुसैन की जिम्मेदारी थी, इमाम हुसैन की ड्यूटी थी, इमाम हुसैन का फरीदा था, उन्होंने अंजाम दिया, बड़ा कारनामा किया, हम उन्हें याद कर लेते हैं। लेकिन एक दफ़ा नहीं, जो फरीज़ा, जो जिम्मेदारी, जिस वजह से इमाम हुसैन ने यह कदम उठाया है, वो जिम्मेदारी फ़कत इमाम हुसैन की नहीं है, क़यामत तक आने वाले सारे इंसानों की जिम्मेदारी है। तो फिर मामला फ़र्क हो जाता है। अभी हमारा काम सिर्फ मजलिसों को मुनक़द कर देने ही से ख़त्म नहीं हो जाएगी हमारी जिम्मेदारी है। मजलिसें, नौहो मातम ये हमारी जिम्मेदारियों का एक हिस्सा है, करबला के सिलसिले में एक हिस्सा है। वो मकसद क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह करबला की तारीख गूंगी तारीख नहीं है, बोलती हुई तारीख है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कदम कदम पे अपना मकसद बयान कर दिया है। इमाम हुसैन की तरफ से किसी को तर्जुमानी करने की ज़रूरत नहीं है, खुद इमाम अपना मकसद करबला, फलसफे इनकलाब करबला बयान करके गए हैं, मदीने से लेकर के करबला तक कदम कदम पर। मैं फकत एक नमूना आपकी खिदमत में पेश करूँगा। जिस वक्त इमाम का मुकाबला लश्कर हुर से हुआ है, लश्कर हुर से पहला मुकाबला जब हुआ है लश्कर हुर से, तो हुर का एतराज़ ये था, चूँकि हुर को हुकूमत इब्न ज़ियाद की तरफ से आए थे ना, एतराज़ ये था कि आपने क्यों मदीना छोड़ कर के इधर उधर जो है सफ़र कर रहे हैं, लोगों को वरगला रहे हैं, उम्मत में फूट डाल रहे हैं, ज़रूरत क्या थी आपको, चैन से अपने घर में बैठते, मदीने में बैठते ज़रूरत क्या थी। इमाम ने उस वक्त ज़रूरत को बयान किया कि मैं क्यों निकला हूँ मदीने से, मैं क्यों मदीने से निकला हूँ। इमाम हुर के लश्कर को खिताब करके फरमाते हैं, अला तरून अन्नल हक ला युअमलु बिह,
क्या तुम लोग देख नहीं रहे हो, अंधे जो नहीं ना हो, जो हालात मैं देख रहा हूं वही हालात तुम भी देख रहे हो। अगर सूरज निकला हुआ है तो ऐसा तो नहीं कि मैं देख रहा हूं बस, अब जहां मैं देखूंगा वहां सारे लोग ही देखेंगे। अला तरौन अन्नल हक ला युअमलु बिह, क्या तुम देख नहीं रहे हो कि हक पर अमल नहीं किया जा रहा है, हक को अपने कदमों तले रौंदा जा रहा है। वअन्नल बातिल ला युतनाहा अन, और बातिल से रोका नहीं जा रहा, धड़ल्ले से लोग बातिल काम अंजाम दे रहे हैं, किसी के कान पर जू नहीं रेंगती है, कोई आवाज नहीं उठाता है, जबकि इस्लाम का हुक्म क्या है, इस्लाम का हुक्म यह है कि हक का साथ दो बातिल को कदमों तले रौंद दो, ये इस्लाम का हुक्म है। लेकिन यहाँ देख ही रहे हो ना कि हर तरफ जो है बातिल ही बातिल फैला हुआ है, किसी के कान पे जू नहीं रेंगती है। अन्नल बातिल ला युतनाहा अन, हक पर अमल नहीं हो रहा है, बातिल से रोका नहीं जा रहा है। अच्छा, अगर ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो क्या करना चाहिए? अगर हालात ऐसे पैदा हो जाएं कि हक पर अमल नहीं हो रहा है, बातिल से रोका नहीं जा रहा है, तो क्या करना चाहिए ऐसे मौके पर? ऐसे मौके पर जिम्मेदारी सिर्फ इमाम हुसैन की है या हर मोमिन की जिम्मेदारी है? इमाम हुसैन ये नहीं कहते कि ऐसे मौके पर मेरी जिम्मेदारी ये है, इमाम फरमाते फलयरगबिल मोमिनो फी लिकाइल्लाह मुहिक्का, जब हालात ऐसे हो जाएं कि हक पर अमल न किया जा रहा हो, बातिल से रोका न जा रहा हो, तो ये वो मौका है जहां मोमिन को मैदान में आना है, आने के बाद हक के हक में आवाज़ उठाना है, बातिल के खिलाफ आवाज़ उठाना है, हक को बढ़ावा देना है, बातिल की रोकथाम करनी है, चाहे इस राह में उसे अपनी जान ही क्यों ना कुर्बान कर देना पड़े। फलयरगबिल मोमिनु फी लिकाइल्लाह मुहिक्का, हक ये है कि मोमिन ऐसे हालात में मौत की तमन्ना करे। तो ये जिम्मेदारी क्यों इमाम हुसैन आए हैं, करबला क्यों आए, मदीने से क्यों निकले, मक्का क्यों छोड़ा, सिर्फ जान बचाने के लिए? इमाम ने कहीं ये नहीं कहा भाई मेरी जान खतरे में थी इसलिए मैं निकाला, मैं क्या करूं, कहीं ये तस्करा नहीं है। इमाम हुसैन फरमा के आ रहे हैं, हक पर अमल नहीं हो रहा है, बातिल से रोका नहीं जा रहा है, और हुक्म इस्लाम ये है, दीन का पैगाम ये है, हक का साथ दो बातिल के मुकाबले में आ जाओ, हक का साथ दो बातिल के मुकाबले में आ जाओ। उसके लिए क्या उस वक्त जब हालात बिल्कुल पुरसकून हो, हमारे ना हमारे जॉब को कोई ख़तरा हो, ना हमारे कारोबार को कोई ख़तरा हो, ना हमारी इज्जत व आबरू को ख़तरा हो, ना हमारी जान को कोई ख़तरा हो, ना हमारी औलाद को कोई ख़तरा हो, ना हमारे कुनबे को, तब ज़बान खोलेंगे? और अगर कहीं खुदा न खास्ता कुछ ख़तरा है तो वहाँ पर ज़बान बंद कर रखेंगे, दहन को सी लेंगे? इमाम फरमाते हैं कि ऐसा नहीं, हुक्म इस्लाम यह है फलयरगबिल मोमिनु फी लिकाइल्लाह मुहिक्का। और जहाँ तक मेरा मसला है, तुम धमकी हमें दे रहे हो मौत की, डराना चाहते हो हमें मौत से, तो सुनो, इन्नी ला अरल मौत इल्ला सआदा वल हयात मा ज़ालिमीन इल्ला बरमा, मैं हक के दिफा की राह में आने वाली मौत को सआदत समझता हूँ, खुशबख्ती समझता हूँ, और चुपचाप खामोश रह के बातिल की कदम बोसी को मैं इस जिंदगी को नंगवार समझता हूँ, मर जाना बेहतर है ऐसी जिंदगी से। एक सलावात पढ़ेंगे मोहम्मद आले मोहम्मद पर, बात क्लियर है ना? बिल्कुल, क्यों इमाम हुसैन आए, कोई मकसद था कि नहीं था? मकसद था, कुर्बानी उसी को तो कहते हैं ना, आने के लिए मजबूर थे? नहीं, मजबूर नहीं थे, जा सकते थे यमन। इमाम हुसैन मदीने से इसलिए नहीं निकले हैं कि उनकी जान खतरे में है, इसलिए निकले हैं कि हक खतरे में है। फरमाते हैं कि हक पर अमल नहीं हो रहा है, और फिर इमाम ये भी वाजे कर देते हैं ये फ़कत मेरी जिम्मेदारी नहीं है,
कि ये समझ लो हुसैन इब्ने अली की जिम्मेदारी थी, चूँकि उन्होंने अपने फरीजे पर अमल किया, हम उन्हें बैठ के याद करते, खराज अकीदत पेश कर। खराज अकीदत वाली ये आज़ादारी नहीं होती है, और ना इमाम हुसैन हमारे खराज अकीदत के मोहताज हैं। ये आज़ादारी असल में अहद है हुसैन इब्ने अली से, ऐलान बैत है अइम्मे अथहार से कि मौला जब कभी हक पर आँच आएगी, जब कभी बातिल सर उठाएगा, उसका सर कुचलने के लिए हम मैदान में हैं, चाहे हमें अपनी जान ही क्यों ना कुर्बान करना पड़ जाए। तो ये फरीजा सबका है, जिम्मेदारी हमारी भी है, जिम्मेदारी आपकी भी है। हर वो शख्स जो अपने को हुसैनी समझता है, हर वो शख्स जिसके दिल में हुसैन इब्ने अली की मोहब्बत पाई जाती है, हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं उन्हें हक के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। तो हमारी भी जिम्मेदारी है हक का साथ देना और बातिल का मुकाबला करना। तो जाहिर से बात है जब हक का साथ देंगे पहले पहचान तो ले कि हक है क्या, हक पहचान तो ले क्या हक है और क्या बातिल है, क्योंकि अगर हक और बातिल को पहचाने बगैर मैदान में आ गए तो कहीं मामला उल्टा ना हो जाए, हक को मिटाने के दर पर हो जाए बातिल को सर पे चढ़ा लें, बातिल को हक समझ बैठें और हक को बातिल समझ बैठें। लिहाजा ये समझना ये परखना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोगों के साथ ये गलतफहमी हो जाती है, आते तो मैदान में हैं हक के दिफा के लिए आते हैं, लेकिन वो दर हकीकत हक को पामाल करने का काम अंजाम देते हैं, बातिल को बढ़ावा देने लगते हैं लाशऊरी तौर पर, ला इल्मी जानबूझ के नहीं, क्योंकि जानते नहीं हैं। मैं एक वाक़ आपको सुना दूँ, पाँचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम का ज़माना है, इमाम खेत में काम कर रहे हैं। याद रखिएगा इस्लाम में कोई भी हलाल काम में कोई ऐब नहीं है, और कोई काम इस्लाम में घटिया नहीं है जो हलाल काम हो, जायज़ काम हो। ये हम लोगों ने वो दर्जा बंदी कर रखी है ना, मतलब ये डॉक्टर हैं तो इनका दर्जा बुलंद है, ये इंजीनियर हैं तो उनका दर्जा बुलंद है, वो मज़दूर है तो उसका दर्जा कमतर है। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है, इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। जो दर्जा जो मर्तबा एक डॉक्टर एक इंजीनियर एक आलिम दीन का हो सकता है, वही दर्जा एक मजदूर का है, वही दर्जा एक मजदूर का है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एक मजदूर से हुजूर की जो है मुलाकात हो गई, मुसाफिया किया उसने तो हुज़ूर ने देखा इसका हाथ बड़ा सख्त है, होते हैं ना कुछ के हाथ नरम होते हैं और कुछ के हाथ, मज़दूरों के हाथ आमतौर से सख्त होते हैं। पैगंबर ने कहा तुम्हारा हाथ बड़ा सख्त है, कहा रसूल अल्लाह कुल्हाड़ी चलाता हूँ, लकड़ी काटता हूँ, अपने बाल बच्चों का पेट भरता हूँ। याद रखिएगा हुज़ूर ने सिर्फ अपनी बेटी फ़ातिमा का हाथ चूमा है, इसके अलावा किसी का हाथ हुजूर ने नहीं चूमा, सिर्फ बेटी फातिमा का। उस नबी ने जो अपनी ज़िंदगी में बेटी फातिमा के अलावा किसी का हाथ नहीं चूमा, हुजूर ने उसका हाथ लेकर के बोसा दिया, और बोसा देने के बाद कहते हैं ये वो हाथ है जिस पर आतशे जहन्नम हराम। किसको ये जो है वो दर्जा दिया पैगंबर ने? एक मजदूर को। मगर हमारे यहाँ वो दर्जे मुय्यन हो गए हैं ना, फलां साहब वो फलां काम कर, ठीक है वो अब अपने लिहाज से समाज की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, ये अपने लिहाज से समाज की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, आलिम दीन अपने हिसाब से समाज की ज़रूरत सब समाज की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं ना। भाई समाज में अगर सब डॉक्टर बन जाए तो क्या होगा, चलेगा वो समाज? सब इंजीनियर बन जाए तो क्या होगा, सब किसान बन जाए तो क्या होगा? ज़रूरतें समाज की अलग अलग हैं, उसी एतबार से लोगों के पेशे भी हैं शुक्ल भी हैं। जो समाज की जिस ज़रूरत को पूरा कर रहा है उसी एतबार से वो काबिल एहतराम है, उसी एतबार से वो काबिल एहतराम है। ये बात इतनी बात मैंने अर्ज़ कर दी। अब देखिए इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम
खेत में मसरूफ हैं। अच्छा जाहिर से बात है जो खेत में काम करेगा उसे पसीना तो आएगा भाई, एयर कंडीशन तो वहाँ नहीं लगा हुआ है, गर्मी भी है, धूप भी है और मेहनत भी है। एक इंसान मेज के पीछे बैठे कलम चला रहा है तो उतनी मेहनत तो नहीं ना करनी पड़ रही उसको, और माशाल्लाह ऑफिस में एसी भी लगा हुआ है, कुर्सी भी आरामदेह है, तो पसीना नहीं आएगा। इमाम खेत में काम कर रहे हैं, पसीने में शराब हो रहे हैं, पसीने में शराब हो रहे हैं। एक साहब को अम्र बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर का शौक़ पैदा हुआ। तो इस्लाम में वाजिब है अम्र बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर। अम्र बिलमारूफ यानी अच्छाई की दावत देना, नहीं अनिल मुनकर यानी बुराई से रोकना, मना करना, यानी वही है हक का साथ देना, बातिल का मुकाबला करना। तो उन्होंने सोचा ये हक को, हक के बोलबाला का बेहतरीन मौका है, गए इमाम के पास नसीहत करने। इमाम को नसीहत करने। देखिए समाज की एक बड़ी मुसीबत यही है, जिससे नसीहत लेना है उसे नसीहत करने लगते हैं। इमाम ने, इमाम को अल्लाह ने नसीहत करने के लिए भेजा है, तुमसे सीखने को नहीं भेजा है। आए इमाम को नसीहत करने लगे कि आप फर्जंदे रसूल हो के दुनियादारी में इतना गर्क हैं। सूफी थे वो साहब, तो सूफियों के तो है ना कि वो हू करना ही सब कुछ है, सारा दिन है बैठे रहो खानकाह में, कोई काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, खाएंगे क्या, कुछ ला के कोई ना कोई दे ही देगा, खिला ही देगा। याद रखिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का दो तरीका होता है, एक तो खुद कमाना मेहनत करना, और ये है कि दूसरे हमारी ज़रूरत को पूरा कर दें। इस्लाम उन लोगों को अच्छी निगाहों से नहीं देखता जिनकी ज़रूरतें दूसरे पूरा करते हैं। हुजूर की हदीस है लअनल्लाह मन कल्ला अला नास, अल्लाह की लानत है उस शख्स पर जो अपना बोझ दूसरों पे डाल दे। दूसरे कमाएं हम खाएं ये हुनर नहीं है, तुम कमा के दूसरों को खिलाओ ये हुनर है। सलावात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो वो सूफ़ी साहब थे, सूफियों का तो जो कुछ है ये बहरहाल। तर्क दुनिया का मतलब ये नहीं है कि काम ना करो, मेहनत ना करो। तर्क दुनिया का मतलब है मेहनत करो, पसीना बहाओ, कमाओ, सब अपने पेट में ना भर लो, जो कमाया है उसमें गरीबों को शरीक करो, ये है तर्क दुनिया, न कि काहली और काम ना करना, इसे जोहद नहीं कहते हैं। बहरहाल वो आया, आप फर्जंद रसूल खुदा हैं, ख़ानदान अहले बैत से आपका ताल्लुक़ है, ख़ानदान नबूवत से आपका वास्ता है, और आप दुनियादारी में इतना गर्क हैं। जाहिर सी बात है खेत में काम करेंगे तो फसल तो उगेगी ना, पैसा तो आएगा, वो पैसे आने को दुनियादारी समझ रहे हैं। पैसा कमाना, पैसा आना दुनियादारी नहीं है, पैसे का आशिक बन जाना दुनियादारी है, कि फिर हराम और हलाल की तमीज़ी ख़त्म हो जाती है, ये दुनियादारी है, न कि पैसा कमाना दुनियादारी है। अगर आप कहते हैं कि अगर आपको इस वक्त मौत आ जाए तो आप अल्लाह को क्या मुंह दिखाइएगा। इमाम ने क्या खूबसूरत जवाब दिया, कि अगर इस वक्त मुझे मौत आ जाए तो ये बेहतरीन मौत होगी, क्योंकि मैं अपने बाल बच्चों के लिए रिस्क हलाल हासिल कर रहा हूँ, ताकि तुम जैसों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो यहाँ मसला क्या था, मसला ये था कि हक को पहचान नहीं रहे हैं, बातिल को पहचान नहीं रहे हैं। तो लिहाजा पहला मरहला हक को पहचानना है, बातिल को पहचानना है। हक और बातिल को पहचानने के लिए अल्लाह ने दो रास्ते रखे हैं, दो रास्ता, एक है अक्ल, एक है शरीयत। अक्ल और शरीयत ये दो रास्ते हैं जिनके ज़रिए से हम हक को पहचान सकते हैं, बातिल को पहचान सकते हैं। हक को पहचानने के बाद हक का साथ देंगे, बातिल को पहचानने के बाद बातिल को ठुकराएंगे, उसके मुकाबले में आएंगे। इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम की हदीस है, इमाम फरमाते हैं लिल्लाह अलन्नास हुज्जतैन, अल्लाह ने तमाम लोगों को दो दलीलें दी हैं, दो हादी दिए हैं, दो रहनुमा दिए हैं, दो रास्ता दिखाने वाले दिए हैं।
हुज्जतुन बातिना व हुज्जतुन ज़ाहिरा, एक ज़ाहिरी हादी है और एक अंदरूनी हादी। एक हादी हमारे हमारे जिस्म से बाहर है और एक हादी हमारे जिस्म के अंदर है, हमेशा जो हमारे साथ है। अम्मल बातिना तो फल उकूल, वो हादी, वो रहबर, वो रहनुमा, वो दलील जो हमारे वजूद के अंदर मौजूद है, उसका नाम अक्ल है। वह अम्मा ज़ाहिरतु फल अंबिया व रसूल, और वो हादी जो जाहिर के हादी हैं, हमारे वजूद से बाहर हैं, उनका नाम नबी है, पैगंबर है, इमाम है। तो दो अल्लाह ने हमें जरिया दिया है पहचानने के लिए, एक अक्ल और एक रसूल, नबी, पैगंबर, इमाम। अलबत्ता अक्ल है, ख्वाहिश नफ्स नहीं है। बाज़ दफ़ा लोगों को गलत फहमी हो जाती है, वो ख्वाहिश नफ्स का नाम रख देते हैं अक्ल। मेरी अक्ल तो नहीं मानती कि औरतें हिजाब करें, मेरी अक्ल तो नहीं मानती कि सूद हराम है, मेरी है ना। बहुत से लोग आते हैं अपनी अक्ल वाले पे, ये अक्ल नहीं बोल रही है, नफ्स बोल रहा है। ख्वाहिश नफ्स और है, अक्ल और है। अक्ल उसे कहते हैं जो नफ्स की बंदिशों से आज़ाद हो। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अकलमंद का तारुफ कराते, अकलमंद कौन है, हमारे बड़ा है ना, कहते फलां साहब तो बड़े अकलमंद हैं, फलां साहब तो बड़े अकलमंद हैं। अरे कहो फलां साहब 420 है भाई, अकलमंद कहने की क्या ज़रूरत है। अकल अकलमंद कौन है, आकिल कौन है। इमाम फरमाते अल आकिल, याद रखिएगा इसे, अल आकिल मन तकला हवा, आकिल वो है जो अपने ख्वाहिश नफ्स को बांध के किनारे लगा दे, उसके बाद जो अकल फैसला करे वो वही फैसला है जो खुदा का फैसला है, हर अकल की बात नहीं है। पर अल्लाह ने दो रास्ते हमें दिए हैं, एक अकल का रास्ता है, एक शरीयत का रास्ता है। जब अकल और शरीयत के ज़रिए हम हक को पहचानना चाहते हैं तो अल्लाह की वहदानियत हक है, नबी की नबूवत हक है, अइमा तहरीन की इमामत हक है, अमीरुल मोमिनीन का खलीफा बिला फसल होना हक है, नमाज हक है, रोज़ा हक है, अल्लाह के जितने अहकाम हैं ये सब हक हैं। इनके सिलसिले में हमें क्या करना है, इनका साथ देना है, इन पर अमल करना है। और इसके मुकाबले में जितनी चीज़ें आ जाएं, तौहीद हक है तो शिर्क बातिल। अगर विलायत अमीरुल मोमिनीन हक है, अली की अदावत बातिल। हक और बातिल को पहचानने के बाद अब बारी आती है हक का साथ देने की और बातिल से किनारा कशी अख्तियार करने की। लेकिन अजीज़ों, ये कहना जितना आसान है उतना करना मुश्किल है। कहना जितना आसान कि जी हक का साथ देना चाहिए, चाहे हमें मौत ही क्यों ना आ जाए, कहना आसान है मगर अमल करना मुश्किल है। इसीलिए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल हक्कु सकीलुन व मुर वल बातिलु खफीफुन व हुल्फ। जब मैदान में आना है तो पहले समझ तो लेना कि जो हम वजन उठाने जा रहे हैं वो हल्का कितना है, भारी कितना है, ताकि मैदान छोड़ के भागे नहीं, फिर समझ के आएंगे तो कभी नहीं भागेंगे मैदान से। हुजूर फरमाते हक पर अमल करना मुश्किल भी, हक भारी है, उठाना मुश्किल है उसे, और हक कड़वा भी है, और बातिल इसके बरक्स, बातिल को अपनाना आसान भी है और बातिल शीरी भी, मीठा भी है। क्या हक गलत है और बातिल सही है इसलिए? नहीं, सही तो हक ही है, फिर भी हक भारी है, मुश्किल है हक पे अमल करना, और तल्ख है। क्यों? इसलिए कि हक पर अमल करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। हक पर अमल बगैर कुर्बानी के मुमकिन नहीं है। बातिल के लिए कुर्बानी नहीं देनी पड़ती है,
हक पर अमल करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। मालूम है साहब कि हमारे बाप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हमें तो हक का साथ देना है ना, बादल के खिलाफ तो अब क्या करेंगे। अरे नहीं तो अब्बा हैं, यहाँ चुप हो जाएंगे। औलाद अगर हमारी बातिल रास्ते पर आ गए तो क्या करेंगे, चूंकि ये औलाद है, ये भाई है, ये बहन है, ये खानदान वाले हैं, ये कुनबे वाले हैं, ये हमारी पार्टी वाले हैं, कुछ भी करें तो हक में तो ऐसा नहीं ना होता। हमारे हिंदुस्तान में कभी कांग्रेस की हुकूमत आ जाती है, कभी बीजेपी की हुकूमत आ जाती है। कांग्रेस की हुकूमत अगर आ जाए, कभी कोई कांग्रेसी कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नहीं बोलता, और जब ये जो है बीजेपी की हुकूमत आ जाती है, कभी कोई बीजेपी का मेंबर अपनी हुकूमत के खिलाफ नहीं बोलता। क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई हुकूमत जो कुछ करेगी सब सही करेगी? कितनी ही अच्छी हुकूमत हो, गलतियां तो होती हैं कि नहीं होती हैं? एक खयानत है, एक गलती का हो जाना है। अरे भाई गलती हो गई तो बोलो ना गलत है, नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? कुर्बानी नहीं दे सकते ना। तो हक के लिए कुर्बानी देना जरूरी है। अगर हक पे अमल करना चाहते हैं तो ये नहीं हो सकता है कि हम अपने बाप, अपने भाई, अपने कुनबे की जय जयकार भी करते रहें और हक का साथ भी देते रहें। अगर हमारा खानदान, हमारा कुनबा, हमारे भाई बहन माँ बाप हक पर हैं तो यकीनन हम उनकी जय जयकार करेंगे, लेकिन अगर वो हक पे नहीं है, अरे भाई भाई एक तरफ है, बहन दूसरी तरफ है, तारीख में है कि नहीं है? भाई एक तरफ, बहन दूसरी तरफ, भाई बहन के मुकाबले में आया कि नहीं आया? अगर भाई बहन के रिश्ते का ख्याल रखा जाता तो वो भाई कभी भी बहन के मुकाबले में ना आता। तो अगर हक पर चलना चाहते हैं इस बात के लिए तैयार रहे कि हो सकता है कि हमें अपने माँ बाप, अपनी औलाद के खिलाफ जाना पड़े, अपने भाई बहन के खिलाफ जाना पड़े, अपने खानदान के खिलाफ जाना पड़े। अगर तैयारी है तो मैदान हक में आए। इसीलिए कहते हक मुश्किल है। कुरान मजीद की आयत सुने, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाह वल्यौमिल आखिर युवादून मन हादल्लाह व रसूलह वलौ कानू आबाहुम व अबनाहुम व इख्वानहुम। तुम कभी किसी ऐसी कौम को नहीं पाओगे जो अल्लाह पर और क़यामत पर ईमान भी रखती हो और अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत भी करती हो। ये नहीं हो सकता। अगर अल्लाह पर ईमान है, अगर क़यामत पर ईमान है, यानी अगर आप हक के साथ हैं, अर्ज़ किया ना तौहीद हक है, क़याम अकीदे क़यामत हक है, अगर आप हक का साथ देना चाहते हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि आप उनके साथ भी दोस्ती किए रहे जो बातिल के पैरो हैं, जो हक के दुश्मन हैं। जो मन हाद अल्लाह व रसूला, अल्लाह के दुश्मन, रसूल के दुश्मन, यानी हक के दुश्मन हैं। हक के दुश्मनों से मोहब्बत भी हो और हक के लिखा परचम भी आपके हाथ में हो, ये नहीं हो सकता है। ये हक के दुश्मन वलो कानू आबाहुम औ अबनाहुम औ इख्वानहुम, ये हक के दुश्मन चाहे उनके माँ बाप हों, चाहे उनके भाई बहन हों, चाहे उनके खानदान वाले हों, उनके कुनबे वाले या उनकी औलाद ही क्यों ना हो। अगर आपको हक का साथ देना है तो बहरहाल जो बातिल पर हैं उनसे रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, उनके मुकाबले में आना ही पड़ेगा। तो हक के तल्ख होने, हक के कड़वे होने की एक वजह यह है कि हक की राह में कुर्बानी के बगैर काम नहीं चल सकता। दूसरी वजह यह है कि हक को आमतौर से जो देखिए, हमारे वजूद के अंदर दो नफ्स हैं, दो नफ्स हैं। बहुत आसान लफ्ज़ों में बयान कर रहा हूँ ताकि हर एक के जहन में बात बैठ जाए। एक का नाम है नफ्से अम्मारा, दूसरे का नाम है नफ्से लवामा। नफ्से अम्मारा हमें गुनाह की दावत देता है, नफ्से अम्मारा हमें बातिल के रास्ते पे चलने के लिए बुलाता है, नफ्से लवामा हमें बातिल की तरफ जाने से रोकता है, नफ्से लवामा हमें हक की तरफ बुलाता है। अम्मारा कहता है बातिल का साथ दो, लवामा कहता है हक का साथ दो। सुबह रात में सोए हैं, देर से सोए हैं, मस्जिद से आवाज आती है हय्या अला खैरिल अमल,
हयालो खैर अमल, आवाज कान में आ भी गई। नफ्से अम्मारा कहता यार सोते रहो, अभी नींद कहाँ पूरी हुई है। इंसान के लिए 8 घंटे की नींद तो चाहिए ना, तुम तो 1 बजे सोए हो। जाहिर सी बात है आज का जो प्रोग्राम है 1 बजे से पहले मेरे ख्याल में शायद कोई बिस्तर पर नहीं जा पाएगा। 1 बजे तो सोए हो, ये मोहसिन साहब को तो अजान देने की आदत ही है। मोहसिन साहब 4:45 के ऊपर खड़े हो गए अल्लाह अकबर, चूँकि आज का अजान का टाइम वही है ना, 4:45 में खड़े हो गए अल्लाह अकबर। अभी कितना घंटा सोए हैं? 2-3 घंटा सोए हैं। नींद तो कम से कम 8 घंटा चाहिए ना। हमारा कहता है सो जाओ सो जाओ सो जाओ। लवामा कहता है उठो जागो, क्योंकि अगर यहाँ सो गए तो फिर जहन्नम में तड़पते ही रहना है। तो एक अम्मारा और एक लवामा, दो चीज समझ में आ गई ना। तो अम्मारा क्या कहता है बातिल का साथ दो, इस अम्मारा को हक पसंद नहीं है। कुरान की आयत सुना दूं आपको, कुरान कहता है लकद जैनाकुम बिलहक, जो कुछ हमने भेजा है सब हक है। कुरान हक है, नबी हक है, इमाम हक है, अल्लाह के कवानीन हक हैं। वलाकिन ना अक्सरकुम लिलहक के कारहून, लेकिन तुम में से अक्सर लोग वो हैं जो हक को पसंद नहीं करते। जब कभी कोई ऐसी बात कह दी जाए जो उनके नफ्स के खिलाफ हो, चाहे वो हक ही क्यों ना हो, तो उनको बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। एक शख्स इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम की खिदमत में आया, आने के बाद कहने लगा मौला एक मसला बता दीजिए। ये जो है मौलवियों के पास भी आते हैं ना, क़िबला एक मसला बता दी, वो इमाम के पास गए थे। अच्छा आम तौर से जो लोग सवाल पूछने आते हैं उनमें तो बहुतों की मैंटेलिटी ये होती है कि वो जो उन्हें पसंद है मौलवी साहब वही कहें। अगर मौलवी साहब ने वो जवाब दे दिया जो उन्हें पसंद है, इनसे ज़्यादा काबिल तो कोई है ही नहीं। क्या साहब इल्म है, इल्म को समंदर है वो तो। और अगर कहीं मौलाना ने वो जवाब दे दिया जो उनकी मर्जी के खिलाफ है, तो मुंह उतर जाता है, चेहरा इस्तखारे में भी यही होता है। बहुत से लोग इस्तखारा दिखाते हैं, चाहते हैं कि जो चाहते हैं वही आ जाए, जो चाहते हैं वही आ जाए। अरे भाई अगर वही करना जो चाहते हो, इस्तखारा ही क्यों दिखलाते हो? इस्तखारा दिखलाते ही क्यों हो? जो चाहते हो अंजाम दो, किसने मजबूर किया है तुम्हें? इस्तखारा इसलिए दिखाते हैं कि जो चाहते हैं वही आ जाए, और अगर कहीं कुछ गलत निकला तो इस्तखारे को जो है मुल्ज़िम भी करार देते हैं। शरीक जुर्म भी तो कोई चाहिए ना। इमाम के पास आया, मौला फतवा बयान कर दीजिए, मसला बयान कीजिए। इमाम ने जो मसला बयान किया वो उनकी मंशा के खिलाफ था, चेहरा उतर गया, अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया। इमाम भाप गए, कहने पसंद नहीं आया। इमाम कहते या हाजा इस्मिर अलल हक, मसला अगर पूछ रहे हो, सवाल अगर कर रहे हो, हक समझने की कोशिश करो। हक समझने के लिए मसला पूछो, अपनी मर्जी की बात सुनने के लिए मसला ना पूछो। या हाज़ा इस्बिर अलल हक, जब हक पता चल गया तो डट जाओ हक के ऊपर, चाहे तुम्हारे नफ्स को पसंद क्यों ना हो। एक सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद आले मोहम्मद। तो हक क्यों कड़वा होता है? दो वजहों से। हक गलत नहीं है, है सही हक है, कड़वा क्यों है? वो नफ्से अम्मारा को पसंद नहीं है, जो बातिल उसे पसंद है। अरे भाई अभी अभी माह रमज़ान गुजरा है ना, 3-4 महीना पहले, आप मुझे बताएं कि रोज़ा रखना अच्छा लगता है कि रोज़ा छोड़ना? हुक्म खुदा के बाद हमें क्या अच्छा लगता है? अगर अभी फौरन ऐलान कर दिया जाए कि आज से रोज़ा माफ़, 12 बजे ऐलान हो जाए कि जी इमाम ज़माना का पैगाम आया है कि कोरोना पीरियड में रोज़ा माफ, तो 1 मिनट भी ताखीर होगी पानी पीने में है, फौरन ही तो रोज़ा टूट जाएगा ना। अरे भाई हम लोग ईद कब मनाते हैं? रमज़ान के आने पर ईद मनाते हैं या रमज़ान के जाने पर ईद मनाते हैं? कभी मनाते हैं? रमजान का चांद देख के मुबारकबाद दे के गले मिलते हैं या ईद का चांद देख के? ईद किसे कहते हैं, रमजान के आने को या रमजान के जाने को? हम तो रमजान के जाने ही की ईद मनाते हैं ना।
क्योंकि हमारे नफ्स को पसंद नहीं है। लेकिन अजीजो हम ईद मनाते हैं शव्वाल का चांद देख करके। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ईद मनाते थे रमजान का चांद देख करके। सलावात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ईद का चांद देख के तो इमाम रोते थे, ज़ारो कतार आंसू बहाते थे इमाम, ज़ारो कतार। क्यों? महबूब जा रहा है। हम रोजे को ज़हमत समझते हैं क्योंकि हमारे यहाँ अम्मारा और लवामा की जंग चल रही है ना। उनके यहाँ अम्मारा लवा, उनके अम्मारा ने लवामा को, लवामा ने अम्मारा को ऐसा बांध के किनारे लगा दिया है अब वो कभी सर नहीं उठा सकता है। जब लवामा अम्मारा को बांध के किनारे लगा देता है तब नफ्से मुतमइन्ना पैदा होता है। और जब नफ्से मुतमइन्ना आ जाए तो उसे वही पसंद होता है जो अल्लाह को पसंद है। फिर वो क्या कहता है, रिजन बिकज़ाएही व तस्लीमन लिअम्रे। 6 महीने के बशीर का जनाजा उसके हाथों पर होता है और ज़बान पे क्या है, रिजन बिकज़ाएही व तस्लीमन लिअम्रे। जो अल्लाह को मंजूर है हमें वही मंजूर। कुर्बानी का जहाँ तक मामला आता है, नफ्स हमारा पसंद नहीं करता। लेकिन अगर हम नफ्स से अम्मारा की ग़ुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, हो तो सकते हैं ना, हो तो सकते हैं, नफ्स से अम्मारा की ग़ुलामी से अगर आज़ाद हो जाएं, तो यही हक जो आज कड़वा है वो शीरी बन जाता है। यही हक जो आज कड़वा है वो शीरी बन जाता है। मुझे आप बताइए कि जिंदगी शीरी है या मौत? जिसे आप सवाल करेंगे तो जवाब यही मिलेगा ना, जिंदगी शीरी है। लेकिन जिसने अपने को नफ्स की गुलामी से आज़ाद कर लिया था, उस 13 साल के बच्चे से जब चचा ने सवाल किया, बेटा कासिम ये बताओ कैफा इंदकल मौत, बेटा तुम्हारी निगाहों में मौत कैसी, तो कासिम ने क्या कहा था, अहला मिनल असल, शहद से भी ज़्यादा शीरी है। तो हक शीरी हो जाएगा कब, जब नफ्स की गुलामी से आज़ादी मिल जाए। इस्लाम इसीलिए आया था, इस्लाम का फलसफा यही है, मकसद यही है, नफ्स की गुलामी से आज़ादी लेना। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम इमाम हसन को खिताब करके कहते, या बुनैया ला तजअल नफ्सका अब्दन लिगैरिक। ए बेटा देखो, कभी भी अपने को दूसरों का गुलाम न बनाना। फकत जअलक अल्लाह हुर्रा, अल्लाह ने तुम्हें आजाद पैदा किया है। हम आज़ाद हैं अलबत्ता अल्लाह के मुकाबले में नहीं, इंसानों के मुकाबले में हम आज़ाद हैं, अल्लाह के हम बंदे और अब्द हैं। अल्लाह के बंदे हैं मगर अल्लाह के अलावा जितने भी हैं सबकी गुलामी से आज़ादी। हम अंबिया इसीलिए आए थे, सूरह आराफ में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारियों को जहाँ बयान किया गया, पैगंबर किस लिए आए थे, सूरह आराफ में इरशाद होता है, अल्लज़ीना यत्तबिऊना नबियल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। वो नबी जिसकी आप पैरवी करते हो, नबी उम्मी जिसका जिक्र आप पाते रहेंगे क़यामत तक तौरात और इंजील में। तमाम तहरीफों के बावजूद आज भी पैगंबर का नाम मौजूद है। कुरान का चैलेंज है, मौजज़ा है कुरान का। जिम्मेदारी क्या है, यामुरहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर। पैगंबर की पहली जिम्मेदारी यह है कि वो उन्हें अच्छाइयों की दावत देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं, हक पर अमल की दावत देते हैं, बातिल से किनारा कशी की दावत देते हैं। वयुहिल्लु लहुम तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। दूसरी जिम्मेदारी पैगंबर की यह है कि वो सारी चीज़ें जो इंसान की तरक्की के लिए ज़रूरी हैं, फ़ायदेमंद हैं, मुफीद हैं, उन्हें हलाल ऐलान कर देते हैं।
सब हलाल हैं। وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ और वो सारी चीज़ें जो इंसान की तरक्की की राह में रुकावटें खड़ी कर देती हैं उन्हें वो हराम करार देते हैं। जितनी चीज़ें हराम हैं वही हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, मुज़िर हैं, हमें तरक्की से रोक देने वाली चीज़ें हैं, उन्हीं को हराम करार दिया है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हराम और हलाल का फ़लसफ़ा बयान करते हैं। वजदनल अशिया वजदनल मुहर्रमा मिनल अशिया ला हाजत लिल इबाद इलैह बल वजदना हो मुफ़सदन व दाइयन इलल हलाक वल फना। जितनी चीज़ें भी अल्लाह ने हराम करार दिया है, गीबत हराम करार दिया, तोहमत हराम करार दिया, झूठ बोलना हराम करार दिया, दूसरों को टोपी पहनाना हराम करार दिया, सूदखोरी को हराम करार दिया, बेगुनाहों पे हाथ उठाने को अल्लाह ने हराम करार दिया है, जालिमों की चौखट पर सजदा रेज होने से मना किया है, फासिकों की चापलूसी से मना किया है, अल्लाह ने हराम करार दिया है। ये सारी चीज़ें इमाम फरमाते हैं जितनी चीज़ें भी हराम हैं उनका मैंने गहराई से जायज़ा लिया है, इनमें से एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जो इंसान के लिए ज़रूरी हो, बल्कि सारी चीज़ें वो हैं जो इंसान को तबाही की तरफ ले जाती है, बर्बादी की तरफ ले। हम चाहे महसूस ना कर सकें लेकिन खुदा जो हर चीज़ का इल्म रखता है वो तो जानता है हमारे फ़ायदे में क्या है, हमारे नुकसान में क्या है। तो नबी किस लिए आया था? जो तरक्की के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उनको हलाल करार दिया, जो तरक्की के लिए मुज़िर हैं, नुकसानदेह हैं, रुकावट हैं, उन्हें हराम करार दे दी। और क्या ज़िम्मेदारी है? وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ वो जिस गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, नबी आया है उन्हें गुलामी से रिहाई दिलाने के लिए, गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए। ये गुलामी चाहे इंसानों की गुलामी हो चाहे शैतानों की गुलामी हो, दोनों गुलामियों से नबी आज़ाद कराने के लिए आया है। सलावात पढ़ेंगे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जब हमारा नफ्स, हम अपने नफ्स की गुलामी की जंजीरों को तोड़ डालेंगे तो फिर हमारे लिए हक शीरी हो जाएगा, फिर हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। हक का साथ देने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हो जाएंगे। पानी बंद कर दिया क्या तो बंद कर दो, क्या समझते हो प्यास से डर के हम तुम्हारे आगे सर झुका देंगे? एक दिन, दो दिन, तीन दिन। अजीजों आमतौर से कहा जाता है तीन दिन की प्यास सचनेगी, ये तो उनके लिए है जो करबला में शहीद हो गए। सात मुहर्रम को पानी बंद हुआ, असर आशूरा हौज़े कौसर पे पहुंच गए, लेकिन जो बच गए, जो बच गए कब उन्हें पानी मिला, कितना उन्हें, हमें तो हर मरहले में ये भूखे और प्यासे ही दिखाई दे रहे हैं। शाम का जिंदान है। इमाम सज्जाद ने देखा कि फूफी जैनब बैठ के नमाज पढ़ रही है, फूफी जैनब बैठ के नमाज पढ़ रही हैं। इमाम कहते फूफी अम्मा आप तो आलिम है गैर मुअल्लिम है, आपको तो पढ़ाने बताने की ज़रूरत नहीं है। फूफी अम्मा नमाज बैठ के नहीं खड़े होके पढ़ी जाती है। जनाब जैनब कहती बेटा जानती हूँ, लेकिन बेटा सज्जाद यजीद के यहाँ से जो खाना पानी आता है इतना कम होता है कि बच्चे भूखे और प्यासे रह जाते हैं। बेटा मैं अपने हिस्से का खाना पानी भी उन्हें दे देती हूँ। बेटा मुसलसल भूख और प्यास ने इतना कमज़ोर बना दिया है कि अब खड़े होके नमाज नहीं पढ़ी जाती। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। असीरी की मुसीबतें जो हैं करबला की मुसीबत से ज्यादा असीरी की मुसीबत है।
इमाम सज्जाद से कोई पूछता था, मौला सबसे ज़्यादा मुसीबत कहाँ पड़ी? करबला की मुसीबत भी कोई कम तो नहीं है, ना अब्बास के बाजू का कलम हो जाना कोई कम मुसीबत है, ना अली अकबर के सीने पे बर्छी का लगना कोई कम मुसीबत है, ना नन्हे शीरखार का तीन फल वाले तीर से गला छिद जाना। लेकिन इमाम ने करबला नहीं कहते थे, कहते थे अश्शाम अश्शाम अश्शाम, तीन मरतबा कहते थे शाम शाम शाम। शायद मौला कहना चाहते हो बाजार शाम दरबार शाम और जिंदान शाम। अजीजों ये तीनों मराहिल बड़े सख्त हैं, बड़े सख्त हैं। अहले बैत कैद खाने में हैं, जिंदान छत नहीं है, दिन की धूप है रात की ओस है। ऐसे आलम में जब शाम में खबर फैली कि असीर आए हैं, असीर आए हैं, यजीद के महल में एक अहले बैत की चाहने वाली भी है जो अहले बैत की तालीमात से फैजियाब हो चुकी है, उसने अली के घर में ये सीखा था कि असीरों के साथ सुलूक अच्छा करना चाहिए, चाहे वो काफिर ही असीर क्यों ना हो। यजीद की मलिका जिसका नाम हिंद है, जिसका नाम हिंद है, हिंद का बड़ा अजीब वाकया है। हिंद एक यहूदी की बेटी थी, बचपन में हाथ पैर से बेकार हो गई थी, मफलूज हो गई थी, यहूदी ने बड़ा इलाज कराया, शफा नहीं मिली। आखिर में थक हार के अमीरुल मोमिनीन की चौखट पे आया कि मौला आप तो मुश्किल कुशा हैं, सबकी मुश्किल दूर करते हैं, मौला मेरी भी मुश्किल हल कर दीजिए, मेरी बेटी मफलूज हो गई है, बड़ा इलाज किया कोई अफाका न हुआ। इमाम ने एक बर्तन मंगाया, बर्तन में पानी, और इमाम हुसैन को बुलाया। अली चाहते तो खुद शफा दे सकते थे ना, मगर न जाने अली की निगाहें क्या देख रही थी, क्या मंजर था अली की निगाहों में। हुसैन को बुलाया, बेटा हुसैन अपने हाथ को पानी में डाल दो। हुसैन ने हाथ को पानी में डाला, पानी हिंद के बदन पे छिड़का गया, पानी का पड़ना नहीं था, बीमारी दूर, हाथ पैर सालिम हो गए। ये मंजर देख करके हिंद ने कहा अपने बाप से, कहा बाबा इस करीम घराने को छोड़ के हम कहाँ जाएंगे, क्यों ना इसी घराने की कनीजी अख्तियार कर लो। अजीजो एक मुद्दत तक हिंद अली के घर में कनीज के तौर पर जिंदगी बसर करती रही, फिर हालात जमाना ने इसे यजीद के महल में पहुंचा दिया। बहरहाल अली के घर में रही है, जो इस्लाम को करीब से देखा है ना, सुना नहीं है, इस्लाम को देखा है, इस्लाम को महसूस किया है। ये अमवी इस्लाम को नहीं देखा है, अलवी इस्लाम को देखा है। जैसे ही खबर मिली कि असीर आए हैं, अलबत्ता मशहूर यही था ना खारिजी आए हैं, मगर बहरहाल खारिजी सही असीर तो हैं। मौला ने तो तालीम यही दी थी असीरों से अच्छा बर्ताव करो, कहा चल कि मैं देखती हूँ कि वो असीर किस आलम में है। तमाशा देखने नहीं आई है, जायज़ा लेने आई है कि असीर किस आलम में है। हिंद चली, अब जाहिर सी बात है मलिका है, कनीज़े भी साथ में हैं। हिंद जब दरे जिंदा से कदम आगे बढ़ाती है, जनाब ज़ैनब की नज़र जैसे ही हिंद पे पड़ी, हिंद को ज़ैनब ने पहचान लिया, जैनब ने पहचान लिया। उम्मे कुलसूम से कहा, बहन उम्मे कुलसूम देखो कौन आ रहा है, बहन कौन आ, बहन अपनी कनीज हिंद आ रही है। दोनों बहनें सर झुका के बैठ गईं। हिंद करीब आई, कनीजों ने कुर्सी रखा, हिंद कुर्सी पर बैठ गई। कुर्सी पर बैठ के कहती है, बहन सर क्यों झुकाए हो, अपना सर तो उठाओ, सर बुलंद करो। अरे मिनाइल वो सारा अंतुन्ना, किस शहर की रहने वाली हो? जनाब ज़ैनब ने सर झुकाए कहा, नखनो मिन बिला दिल मदीना, हम मदीने के रहने वाले। जैसे ही हिंद ने मदीने का नाम सुना, कुर्सी छोड़ के जमीन पे बैठ गई। जनाब ज़ैनब बोली, बीबी अरे कुर्सी छोड़ के जमीन पे क्यों बैठ गई? कहा, बीबी मदीने वालों के एहतराम में।
कहा तुम मदीने के रहने वाले? कहा हाँ मदीने। तो तुमसे मदीने के एक घर के बारे में हम कुछ पूछना चाहते हैं। कहा पूछो। किस घर के बारे में? कहा अपने मौला अली के घर के बारे में पूछना चाहती हूँ। जनाबे ज़ैनब ने कहा अली जिस दुनिया में नहीं रहा। हाँ हाँ वो तो मुझे मालूम है, मगर मेरा आका हुसैन तो है, मेरी शहजादी ज़ैनब। जब उसने ये कहा एक दफ़ा ज़ैनब ने सर उठाया, या हैं इन साल से अनिल हुसैन, अगर तू हुसैन के बारे में जानना चाहती है, फहादा रासहु बैना यदै यजीद, यजीद के सामने जो सर रखा है किसी खारजी का सर नहीं है, तेरे आका हुसैन का सर। वह इन साल से अन ज़ैनब, और अगर तू ज़ैनब के बारे में जानना चाहती है, फहाना ज़ैनब, मैं ज़ैनब, वहाँ ही उम्मे कुलसूम, और ये मेरी बहन उम्मे कुलसूम। बस ये सुनना था, हिंद सर पीटने लगी, या लैतनी कुंतुम या, ऐ काश मैं अंधी हो जाती, रसूल जादियों को इस आलम में न देखती। सर से चादर फेंक दी, बरैना से दरबार में चली गई। वह लगिया यजीद, अरे लानत हो तुझ पर है यजीद, ये क्या किया? यजीद ने जब देखा कि मेरी मलका बरहना सर अग्यार के मजमे में आगे, गैरत आ गई, उठा अपनी अबा हिंद के सर पे डाला। हिंद ने करे लानत हो तुझ पर, अखजत कल हमीयत अलैया वमा अखजत कल हमीया अला बना दे रसूलल्लाह, तुझे गैरत आ गई, मैं बरहना सर रसूल सादियों के बारे में तुझे गैरत ना आई, उन्हें गिरफ्तार करके बरहना सर शहर बशहर फिरादा रहा। अला लानतुल्लाह अला कौमे जालिमीन, وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون। बार इलाहा तुझे वास्ता है मुहम्मद आल मुहम्मद अलैहिस्सलाम का, हमें हक पर अमल करने और बातिल से रूगर्दा होने की तौफीक इनायत फरमा। बार इलाहा हमें नफ्स की ग़ुलामी से रिहाई दिलाकर हमारे लिए हक को शीरी और बातिल को तलख बना दे। महबूब तुझे वास्ता है मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, जो मोमिनीन और मोमिनात बीमार हैं उन्हें शफाए कामिले आजला इनायत फरमा, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बेरोज़गार हैं उन्हें हलाल और पाकीज़ा रोज़गार इनायत फरमा, जो साहिब रोज़गार हैं उनके रोज़गार में मज़ीद तरक्की और उन्हें अपने बेरोज़गार भाइयों की मदद की तौफीक करामत फरमा। बार इलाहा जो बे औलाद हैं उन्हें नेक और सालेह औलाद इनायत फरमा, जो साहिब औलाद हैं उन्हें अपनी औलाद की दीनी तालीम और तरबियत की तौफीक इनायत फरमा। शियायान हैदर कर्रार, मुहिब्बान अहले बैत अतहार, ज़ायरान सैयदुश्शुहदा, अज़ादारान मज़लूम करबला, जहाँ कहीं भी हों उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। मराजे किराम और रहबरे मुअज़्ज़म इनकलाब इस्लामी की हिफाजत फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, जब हज़रत का ज़ुहूर हो तो हमारे आमाल ऐसे हों कि हम उनके असहाब व अंसार में शुमार हो सकें। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़ी फ़रज मौलाना साहिब ज़मान वजअलना मिन आवानिही व अंसारिही।